नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। राजनीतिक गलियारे से खबर है, बड़ी खबर है। बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के संजय जायसवाल, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार विधानसभा में 5 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे और जो नतीजे आए हैं काफ़ी निराशाजनक हैं एनडीए के लिए। और इसके लिए इशारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार के सुशासन को जिम्मेवार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दरौंधा में जो हार हुई है जेडीयू प्रत्याशी की, बीजेपी के बागी उम्मीदवार की वजह से नहीं हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से नहीं हुई है, बल्कि एनडीए के कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से हुई है। यानी वो जताना चाहते हैं कि कार्यकर्ता चाहे बीजेपी का हो या जेडीयू का, वो काफ़ी नाराज हैं सरकार के कामकाज के तरीके से। शासन में, सरकार में उनका चल नहीं रहा है, उनको भाव नहीं मिल पा रहा है, जनता का शासनिक प्रशासनिक काम वो करा नहीं पा रहे हैं और इस वजह से उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी को हरा दिया। उन्होंने कहा कि बेलहर में भी यही नतीजा होता अगर बीजेपी ने संभाला नहीं होता। दरअसल बेलहर में भी जेडीयू को जीत नहीं मिली है, लेकिन हार बहुत कम मार्जिन से हुई है, लेकिन दरौंधा में तो तीसरे नंबर पर जेडीयू का उम्मीदवार चला गया। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव में हार के लिए सीधे ठिकरा जेडीयू पर फोड़ दिया है। इसे माना जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजे के बहाने बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को दबाव में लेना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है और इसलिए नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर नाकाम साबित करने में जुटी हुई है। वैसे भी बीजेपी के प्रदेश स्तर के 4 नेता, बड़े नेता, लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे, नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहे थे, लेकिन अमित शाह ने उपचुनाव के पहले बयान देकर कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा, लगा कि मामला उन्होंने शांत करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव में हार का ठिकरा जेडीयू के ऊपर फोड़ दिया है, जाहिर है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी मौके का फायदा उठाना चाहता है और 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अपने ब्लॉग पर लिखा है संजय जायसवाल ने ये सारी बातें, और उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया है, सरकारी कामकाज को लेकर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि जेडीयू के विधायक भ्रष्टाचार को लेकर गोपालगंज में धरना पर बैठते हैं, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर सत्ताधारी दल के विधायक ही भ्रष्टाचार को लेकर धरना पर बैठ रहे हैं, तो शासन के कामकाज के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। और दरौंधा विधानसभा चुनाव हार जाने को आप हल्के से नहीं ले सकते, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा और एनडीए को बैठकर हार की समीक्षा करनी पड़ेगी। तो संजय जायसवाल ने बड़ा हमला बोला है और मुझे लगता है कि अब संजय जायसवाल के इस हमले के बाद बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के 4 नेता जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, अमित शाह के बयान के बाद चुप हो गए थे, फिर से एक बार सक्रिय होंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी नीतीश कुमार को दबाव में लेना चाहती है और इसी रणनीति के तहत उसने अपने प्रदेश के 4 नेताओं को नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के लिए लगा दिया था। और अब जब प्रदेश अध्यक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है तो मानकर चलिए कि सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हो रहा है, यानी नीतीश कुमार के लिए राह बहुत आसान नहीं है। और वैसे भी नीतीश कुमार की घेराबंदी पिछले 1 साल से जारी है, जिस तरह से मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के लिए मीडिया ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, जिस तरह से चमकी बुखार को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया, जिस तरह से पटना में जल जमाव को लेकर नीतीश सरकार की घेराबंदी बीजेपी के विधायकों द्वारा की गई, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी दबाव में नीतीश कुमार को लेने की कोशिश कर रही है। वो ये साबित करना चाहती है कि नीतीश कुमार हर मोर्चे पर नाकाम हुए हैं और अपना दावा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बढ़ाना चाहती, मजबूत करना चाहती है। जेडीयू के जो नेता हैं उनका भी ये मानना है कि बीजेपी के इशारे पर बीजेपी से प्रभावित मीडिया नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार कैंपेन चला रहा है और नीतीश कुमार को, जो बिहार में सुशासन के लिए जाने जाते हैं, बिहार में विकास के लिए जाने जाते हैं, उनको नकारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जेडीयू के नेताओं का दावा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, वही नेता होंगे चुनाव के और वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। लेकिन अब तो ये समय बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि बीजेपी का जो रुख है वो काफ़ी सख्त दिख रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार को दबाव में लेने की कोशिश कर रही है, साफ दिख रहा है। क्या होगा
उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष काफी उत्साहित है। तेजस्वी यादव जेडीयू की 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वो तेजस्वी यादव जो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा भी है कि जिस शासन से लोग डरते थे, घर से शाम 5 बजे के बाद निकलने का हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, उस पार्टी को कैसे 2 सीटें मिल गई, ये सबसे बड़ा सवाल है और चिंता का विषय भी है। तो हमें और हमारी सरकार को समीक्षा करना पड़ेगा उपचुनाव में हार का, और गंभीरता से अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना पड़ेगा। जाहिर है कि वो चाहते हैं कि सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भाव मिले, शासन प्रशासन में उनका दबदबा बढ़े, ताकि वो चुनाव में जमकर काम कर सकें। क्या होगा, नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में आएंगे नहीं आएंगे, दबाव बीजेपी ज़्यादा बनाएगी तो बीजेपी को छोड़ेंगे या साथ बने रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। ओह रियली? यस, आई लाइक सरप्राइजेस बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? हेलो सर, हेलो मैम, पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेंपल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।